आगरा कैंट स्थित श्रीमती जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रकरण में एडीआईओएस ने जांच कर जांच रिपोर्ट डीआईओएस को सौंप दी है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय के प्रबंधक को पत्र भेजा है। आगरा कैंट स्थित श्रीमती जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज विवादों के घेरे में है। विगत दिनों कॉलेज की छात्राओं सहित शिक्षिकाओं ने कॉलेज के ही प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं प्राचार्य ने भी कॉलेज की शिक्षिकाओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। वहीं पूरे मामले की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक ने सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपी थी। जाँच पूरी होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधक को पत्र जारी किया है। आगरा के माध्यम से जाँच कराई गई थी, शिकायत प्राप्त हुई थी और उनके द्वारा अवगत कराया है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य और वहाँ की शिक्षिकाओं के बीच में विवाद है। इस संबंधी विवाद था, इस संबंध में उन्होंने अपनी जांच दिया उसको दे दी है और जिला विद्यालय निरीक्षक के इस संबंध में मैनेजर को पद प्रेषित कर रहे हैं ताकि विद्यालय हमारा सुचारू रूप से संचालित हो सके। दरअसल श्रीमती जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्राचार्य पर छात्राओं ने अवैध रूप से फीस वसूलने का आरोप भी लगाया है, साथ ही ठीक व्यवहार से पेश न आने का आरोप भी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मंडल आगरा का कहना है कि कॉलेज के प्रबंधक को पत्र जारी किया गया है, साथ ही दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उसको संज्ञानित कराया गया, जांच रिपोर्ट उनकी एसोसिएट की प्राप्त हो गई है और संबंध में डियास अपने स्तर से शीघ्र ही मैनेजर को कार्रवाई करने के लिए निर्देश करेंगे क्योंकि विद्यालय सहायता प्राप्त है और वहाँ पर मैनेजमेंट का होल्ड रहता है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी व्यवस्थाओं को देखे और अगर कहीं कोई दिक्कत है या कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक भी करें। प्राचार्य के खिलाफ शिक्षिकाओं ने कई बार डीआईओएस और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। इस मामले में डीआईओएस ने प्रबंधक को पत्र जारी किया है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।